आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है, जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम कर करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद, थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए, निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन किया और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बंपर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कैसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है और कोरोना के इन सारे बंधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम होने नहीं दिया और देश को गौरव बढ़ाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।